शबाना आजमी, ये नाम सुनते ही कई बेहतरीन फिल्मों की याद ताजा हो जाती है। इस काबिल अदाकारा ने ना सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों में शोहरत हासिल की है बल्कि कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया है। अब शबाना जी नजर आएंगी गुरिंदर छड्डा की नई फिल्म में जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ। थैंक यू सो 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 मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो शबाना जी। इट्स अ प्लेजर। शबाना जी, बिफोर वी बिगिन द इंटरव्यू, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, यू हर्ट योरसेल्फ? दरअसल हुआ ये कि मैं अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई और फ्रैक्चर हो गया, और उसी दिन मेरा प्ले था ब्रोकन इमेजेस का शो, जो मैंने समझा कि सही नहीं होगा उसको कैंसिल करने के लिए, तो पट्टियां बांधकर और पेन किलर्स लेकर मैंने उस दिन वो शो किया और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। यू नो, एक अरसे के बाद हम आपकी एक फिल्म देख रहे हैं, इट्स एन आफ्टर लाइफ, अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ। इतने समय कहां थी आप? दरअसल अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में मैंने हर साल एक फिल्म की है, जो मुझे लगता है कि आज के माहौल में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग बहुत कम फिल्में कर रही हैं। लेकिन इट्स अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ, जब आप देखेंगे फिल्म और उसमें मेरा रोल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी देर का जो इंतजार किया था वो सही है। शायद एक कारण जो आपने फिल्में इतनी कम कर दी है करना, इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि आपने तकरीबन सभी रोल अदा कर लिए हैं। असल में जब मैं अपने करियर को देखती हूँ तरन, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये जो समय है ये हिंदी फिल्म के अदाकारों के लिए एक बहुत बेहतरीन, जिसको कहते हैं गोल्डन पीरियड है। क्योंकि आप सोचिए कि आज से 10 साल पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एक्टर 30 साल की उम्र के बाद उसको कोई मेन पिविटल रोल्स मिल सकते हैं। खास तौर से औरतों के साथ ये होता था कि आप 30 साल के हो गए और उसके बाद आपको जो भाभी है या माँ है या एक टोकन लॉयर या कुछ है, ऐसे रोल्स मिलते थे। ये माहौल बिल्कुल बदल चुका है। बट जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अब ये रोल्स हर एक्टर को मिल रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि जो 1970s और 1980s में कहानियों पे जोर दिया जाता था, जो फिल्में उस वक्त बनती थी वो बेहतर बनती थी? मैं बेहतर या कमतर तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये बात जरूर है कि 70s और 80s की जो फिल्में बनी उसमें स्क्रिप्ट पर और कहानी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आज जो है हमारा सिनेमा बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो टेक्निकल एबिलिटीज हैं वो बहुत बेहतर होती जा रही है, दे रियली इन दे कंपेयर टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन कहानी पर और स्क्रिप्ट पे कम जोर दिया जाता है, विच आई थिंक इज अ शॉर्टकमिंग। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आज की जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें भी जो एक्टिंग है उसका स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हुआ है। राइट, ओके, बात करते हैं गुरिंदर छड्डा की नई फिल्म की। वेल, आई एम श्योर आप उनके काम से वाकिफ हैं, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी जो उन्होंने पहले बनाई है, तो इस फिल्म को हाँ करने की क्या वजह थी? गुरिंदर चड्डा की मैंने फिल्में देखी थी और मुझे बहुत मजेदार लगती थी, और मुझे याद है कि मैं उस जमाने में अमेरिका में थी और गुरिंदर ने मुझे फोन किया और कहा कि एक स्क्रिप्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ें। और मैंने जब उनसे पूछा कि कहानी क्या है, आप मुझे बता सकती हैं, तो जब उन्होंने कहानी कही तो मुझे बहुत मजेदार लगी, लेकिन समझ में नहीं आई ठीक से, तो मैंने कहा प्लीज आप मुझे स्क्रिप्ट भेजिए। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी तो स्क्रिप्ट को पढ़ते समय इतनी बार मैं टहाके मार के हंसी, और मैंने सोचा इट हैज टू बी गुरिंदर चड्डा हु कैन कम अप विद सच अ वैकी फिल्म। और मिसेस सेठी जो मैं प्ले करती हूँ वो पिविटल रोल है फिल्म का, तो किसी भी एक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम रोल, खास तौर से इसलिए कि ना तो मैंने जॉनर में कभी काम किया है ना इस तरह की औरत को प्ले किया है। फिर भी मिसेस सेठी में मुझे बहुत सारे ग्लिम्सेस नजर आते हैं बहुत सारी औरतों के, जिनकी बस जिंदगी का वन पॉइंट प्रोग्राम होता है तो किसी तरह से उनकी बेटी की शादी हो जाए। रीमिक्स, इट गोस। You wanna know them? Things you wanna make, you wanna know them. Chance wanna
ये जो कैरेक्टर जो था, आपने कहीं ना कहीं से किससे इंस्पिरेशन लिया था? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? बहुत सारे लोगों से. मैंने ये तय किया था कि इसकी ये इस तरह की लगेंगी. और गुरिंदर की जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें पहली लाइन ये थी, मिसेस सेठी विद हर थ्री स्टमक्स. दैट जस्ट गॉट स्टक इन माई हेड. और गुरिंदर ने मुझसे कहा कि अगर तुम वजन बढ़ा लो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैडिंग की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा फेस बेसिकली स्लिम है. और उन्होंने कहा फिर आर्म्स नजर आएंगे तो वो स्लिम लगेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि गुरिंदर को भी यकीन नहीं था कि मैं उसको इतनी संजीदगी से लूंगी. और चुनाचे 3 महीने के अंदर मैंने 25 पाउंड वजन अपना बढ़ाया है. और आप जब देखेंगे मुझे फिल्म में तो वाकई आपको 3 स्टमक्स नजर आते हैं जो अब नहीं है. वाओ, 3 स्टमक्स आपने इस पर्टिकुलर रोल के लिए बढ़ाए. आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का क्या हो गया होगा? मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर उनसे मैंने मशवरा लिया होता तो वो बिल्कुल मुझे ये काम करने नहीं देते, क्योंकि एक्चुअली आर्टिफिशियली ये वजन पुट ऑन करना पड़ा. तो बहुत सारी फ्राइड चीजें खाई, बहुत सारी चॉकलेट्स खाए, दुनिया भर की चीजें, तो उसकी वजह से वो मुझे बहुत नाराज हुए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जस्ट वेंट हेवायर, ट्राइग्लिसराइड्स प्लस थायराइड. और उन्होंने कहा नो रोल इज वर्थ इट. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप एक्टर नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है कि एवरी रोल इज वर्थ इट इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कैरेक्टर. बट देन आई हैड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स लूजिंग इट. आपके पात्र के बारे में अगर बात करें तो मैंने सुना है कि गुरिंदर चड्ढा आपको एक पंजाबी बेबी शावर में लेके गए थे. जी, टू गेट दोज, ताकि आप वहां पर पंजाबी औरतों को देख सके एंड पिक अप दोज मैनरिज्म्स ताकि वही पर्दे पर दर्शाया जा सके. जी हाँ. सही है. कुछ जिस तरह से हाँ, नहीं, असल में मैंने जब रोल पढ़ा भी था तो मैंने कहा था कि गुरिंदर इसमें मुझे आपकी बहुत मदद की जरूरत होगी, क्योंकि आपने इस कैरेक्टर को सोचा है और इसको पूरी तरह से सही बनाने में एज एन एक्टर मुझे आप पे बहुत डिपेंड करना पड़ेगा. तो शी से डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी डन. तो पहले ही हफ्ते, क्योंकि हम शूटिंग से पहले लंदन गए थे, तो सबसे पहले काम उन्होंने मुझे यही किया था कि वहां बेबी शावर में मुझे लेके, जब बहुत सारी मोटी मोटी पंजाबी औरतें थी और वो किस तरह की जबान बोलती हैं, फिर अपनी माँ से मिलाया, फिर कुछ पंजाबी के सेंटेंसेस उनकी मम्मी से मैंने लिए और इस तरह से वो माहौल को मैं अच्छी तरह से समझ सकी. आप ये यकीन मानिए कि जब हम लोग साउथ हॉल में शूटिंग कर रहे थे तो गुरिंदर बहुत खौफ ज्यादा थी कि अब जो है इम्पॉसिबल होगा. और कई शॉट्स हमने कर लिए उसके बाद लोगों को ये पता पड़ा कि मैं हूं, क्योंकि वो सचमुच ऐसे समझ रहे थे कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है और कोई पंजाबी औरत. दैट वाज वेरी नाइस. हाउ इज इट वर्किंग इन साउथ हॉल? देखिए, साउथ हॉल में मैं साउथ हॉल से वैसे भी वाकिफ हूँ क्योंकि लंदन जब जाती हूँ तो चाट खाने वहां अच्छा. जरूर जाती हूँ. लेकिन जिस बात का मुझे बहुत मजा आया वो ये है कि जब लोगों को पता चला कि मैं हूँ तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से मेरे साथ बिहेव किया. और कोई मुझे ले जा रहा था चाट खाने के लिए और कोई ले जा रहा था मिठाई खाने के लिए और कोई मुझे दिखाने के लिए कि मेरी कितनी सारी वीडियो की फिल्म्स उनके पास मौजूद हैं. तो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड लवली. पर आपके जो अनगिनत फैंस है जो आपको मिलते थे वहां पर, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने यू पुट ऑन सो मच वेट? सबसे पहले तो ये कि द हॉल रंबा क्या हो गया, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट दे यूज्ड टू से. और मैं बोलती थी कि फिल्म के लिए तो देन दे यूज्ड टू टेल ईच अदर हाउ फिल्म के लिए कोई ऐसे कर सकते हैं और फिर दुबले कैसे हो गए, क्या करोगे, ये वो. That was a matter of great shock to them that that we could do that. And I'm not the only one who's done it. Goldie, जो मेरी बेटी का रोल कर रही रूपी का, बेचारी उसको भी अपना वजन बहुत बढ़ाना पड़ा था. और एक मौका ऐसा आ गया था जब हम कहते थे कि अगर हमारे सामने एक एक कतरा भी आपने कोई चीज खाने या पीने की रखी तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते उसके, because we were so busy gorging all the way. Right. And how did you lose weight? अपने मुंह को सीने के अलावा और कोई तरीका नहीं है. मैं आपको बता दूं, यू हैव टू रियली 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 वर्क वेरी हार्ड. इनफैक्ट जब डॉक्टर मुझसे नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि आपने फिल्म के लिए ऐसा किया, एक रोल के लिए आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा कि मैंने मंडी के लिए भी ऐसा किया था. मंडी के लिए भी 12 किलो वजन बढ़ाए थे. तो उन्होंने कहा आप 20 साल आपकी उम्र कम थी एंड दैट टाइम यू कैन टेक दोज रिस्क विद योर बॉडी, यू कांट डू इट. सो आई हैड टू गो ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम एंड देन एक्सरसाइज मैंने इतनी ज्यादा तो नहीं की जितनी करना चाहिए थी, बट आई यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स एंड आई जस्ट टुक होल्ड ऑफ माई सेल्फ. अगर गुरिंदर की फिल्मों की बात करें, तीनों फिल्मों में एक समानता मुझे नजर आई है, वो ये कि यहां पर एक माँ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है. बिल्कुल. येट इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा.
बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस तरह की फिल्म आपने देखी नहीं होगी, ये तो मैं आपको पूरी यकीन से बता सकती हूँ। लेकिन उसकी कहानी बताने की अभी मुझे इजाजत नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं और आप अगर फिल्म की क्लिपिंग्स भी देखें, तो एक बहुत अहम पात्र इस फिल्म में जो स्पिरिट्स हैं उनका भी है। तो मेरे अतराफ ऐसे 5 स्पिरिट्स रहते हैं जो सिर्फ मुझे ही नजर आते हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेटी जब देखती है तो वो देखती है कि माँ अपने आप बात कर रही है, तो उसको लगता है माँ जो है बिल्कुल सट्टा जा रही है, और उसको लगता है कि मेरी माँ इतनी परेशान है मेरी शादी को लेकर कि वो अपने आप बात करने लगती है। तो उसमें एक्चुअली जो मैंने ये रियलाइज किया कि हम लोगों को एज एक्टर इस बात का एहसास नहीं था कि ये कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात है। स्क्रिप्ट में तो हमने देख लिया था, लेकिन हर फ्रेम में आप मेरे साथ 4 और घोस्ट्स को देखते हैं, स्पिरिट्स को देखते हैं, और अब कब आप उनको देखते हैं और कब आप नहीं देखते हैं ये इस बात पे डिपेंड है कि कौन देख रहा है। तो मैं देख रही हूं तो होना होंगे, और अगर मेरी बेटी देख रही है तो नहीं है, तो वो उसका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मैथमेटिकल है, जो कि गुरिंदर और खासतौर से उनके सिनेमाटोग्राफर को बहुत इसका ध्यान देना पड़ा। बट इन द फिल्म इट जस्ट फ्लोज रियली इजीली। बट अक्सर मैंने देखा है जो ब्रिटिश फिल्में होती है, ब्रिटिश कॉमेडी फिल्में, उनमें पंजाबी इंडियन फैमिलीज को, औरतों को बहुत फनी, बहुत क्रूड, बहुत लाउड दर्शाया जाता है। आपको नहीं लगता ये हमारी जो जो हमारी जो औरतें हैं उनको बी लिटिल करता है? बिल्कुल भी बी लिटिल नहीं करता है, क्योंकि ये एक बहुत अफेक्शनेट लुक है, और ये व्हेन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग फनी राइट, देन यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट यू कैन मेक फन ऑफ, मगर उसका इंटेंशन बी लिटिल करना तो बिल्कुल भी नहीं है। और मिसेस सेठी भी जब आप उसको उनको देखेंगी, हालांकि शी टेक्स एक्सट्रीम मेजर्स, उसका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि उसकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, और उसका दिल इस बात से बहुत दुखी होता है कि लोग उसकी बेटी के मोटापे को लेकर उसको रिजेक्ट करते हैं, और उसको लगता है कि मोटापा ही तो सब कुछ चीज नहीं, आप सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात कर रहे हैं, अंदर से उसका दिल इतना अच्छा है, और उसको इतना बुरा लगता है कि फिर बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेती है उन लोगों से जिन्होंने उसकी बेटी Yeah. Wow, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कह दिया। पर आपने एक बात कही इस फिल्म में कि मिसेस सेठी आपके जो कैरेक्टर है उसे घोस्ट नजर आते हैं, वो उनसे बात करती है, जो सिर्फ आपको दिखाई देते हैं पर आप किसी और को नजर नहीं जी। Now, ऐसे सीन्स करना, ऐसा एक रोल करना जो आपने शायद पहले नहीं किया हो, वॉज इट टफ? वॉज इट अ चैलेंज? इट वॉज टफ, क्योंकि जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तब पहली बार हमको समझ में आया कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, क्योंकि जब मैं बोल रही हूं तो बाकी के जो घोस्ट हैं वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक चेहरा लेकर बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे भी एक्सप्रेशंस आने हैं। वेरी ट्रू। यू नो इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपने एक हद तक बता दी है, शायद मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट क्या आप उसके बारे में एलैबोरेट करना चाहेंगे फिलहाल? अगर मैंने किया तो ये जो छड़ी है ना जिसके जरिए मैं यहाँ आई हूँ, गुरिंदर मेरे सर पे ही मारेगी। मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसको बता नहीं सकूंगी, मगर इंटरेस्टिंग बहुत है बहुत। और आप अपनी क्यूरियोसिटी को रखें बंद करके, क्योंकि जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। राइट, इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये ट्विस्ट सुना इसके बारे में, इस फिल्म में ये ट्विस्ट है, तो फॉर अ सेकंड मैं भी चौंक गया कि ऐसा ट्विस्ट भी हो सकता है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि यू नो अगर आप अंग्रेजी की फिल्में देखें तो उनमें उसमें ये जॉन जरूर है, वेयर इट कैन बी वेरी फनी एंड देन इट कैन आल्सो बी हॉरिफिक, देयर कैन बी मोमेंट्स व्हिच कैन बी वेरी डार्क बट दे कैन बी वेरी फनी। तो जो अंग्रेजी ऑडियंस है उसके लिए एक हिस्ट्री है, लेकिन जो हमारी हिंदी, हमारी इंडियन ऑडियंस है उसके लिए एक बड़ी बिल्कुल नई चीज होगी। बट वी आर ऑल्सो डूइंग हिंदी पंजाबी वर्जन ऑफ इट जिसका नाम है हाय मर जावा। तो इससे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि उनको लगता है कि हाय मर जावा जो है उसमें जरूर कोई मजेदार बात होगी। बट यू नो ये जो ट्विस्ट है जिसे आपने कहा ये अंग्रेजी फिल्मों में होता है, हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए नया अनुभव होगा, बट इसे एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह पिच किया जा रहा है, वो एंगल दर्शक बताया नहीं जा रहा है। रोमांटिक कॉमेडी तो जरूर है, क्योंकि एक ट्रैक इसमें यह है कि मेरी जो बेटी है जो खुद एक्चुअली फेमिनिस्ट है,
उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बुरी बात नहीं है अगर मेरी शादी नहीं हो रही, और वो अपनी माँ से फेड अप होती है क्योंकि माँ का सिर्फ वन पॉइंट प्रोग्राम होता है। लेकिन कहीं उसको भी ये एहसास होता है कि मैं मोटी हूं और इसलिए मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस माहौल में एक इंतहाई गुड लुकिंग आदमी सेंदिल रामामूर्ति, फैबुलस लुकिंग बॉय, वो आता है और उसको बहुत हैरत होती है कि ये लड़का मुझे, इतना गुड लुकिंग लड़का, ये मुझे कैसे पसंद करने लगा है। और उसकी वजह से वो सॉफ्टन होती है, माँ जो है बहुत खुश होती है कि देखो इतना गुड लुकिंग लड़का मेरी बेटी को चाह रहा है। और फिर एक ऐसा मौका आता है कि उसको एक और कोई सच्चाई मिलती है, और जब वो परत उठाती है तो उसको ऐसा लगता है कि ही इज लेट मी डाउन, तो वो फिर बहुत डिसअपॉइंट होती है। तो एक ट्रैक इसका डेफिनेटली रोमांटिक कॉमेडी का है, एंड देन हाउ दे कम टू टर्म्स, दैट्स अनदर ट्रैक। यस, और चूंकि आपने सेंथिल के बारे में बात किया, बट इनके अलावा आप कई और एक्टर्स के साथ काम कर रही थी इस फिल्म में, इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ जिनके साथ शायद आपने पहले काम नहीं किया हो। गोल्डी जो आपकी बेटी का पात्र निभा रही थी इस फिल्म में, सेंथिल, सैली हॉकिंस, जिमी मिस्त्री, इनके साथ काम करने का अनुभव। देखिए, सैली हॉकिंस ने इतना कमाल का काम किया है, और जो उसका रोल है वो इतना फनी है कि मैं आपको यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि पीपल विल लव हर इन द फिल्म, शी इज वेरी वेरी फनी। वो एक ऐसी औरत का रोल करती है जो इंडिया जाके और कुछ स्पिरिचुअलिटी में चली जाती है, और वो बहुत इंडियन हो जाती है, एंड शी इज वेरी फनी, वेरी वेरी फनी। लेकिन गोल्डी नोते जो है, जिसने मेरी बेटी का रोल किया, उसको तो मैंने जैसे पहली बार मैंने अपनी आंखें उस पर डाली थी और उसने मुझे देखा था, तो वी जस्ट लव्ड ईच अदर ऑन साइट। गोल्डी ने बेहतरीन काम किया, मैंने पूरी फिल्म तो देखी नहीं है, डबिंग के दौरान जब हम लोग उसकी पंजाबी की डबिंग कर रहे थे जब मैंने देखा था, उसने बेहद अच्छा काम किया है। आई एम श्योर शी विल बी वेरी वेरी अप्रिशिएटेड, शी इज लवली। ओके, आपकी फिल्म सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, किस तरह का रिस्पांस मिला है वहां पर? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन जो वहां लोग थे और जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए, उन्होंने कहा पीपल वर लाफिंग एंड दे वर हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ, सो इट्स वंडरफुल के, बिकॉज सनडांस फिल्म इज रियली, सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ चुने जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कटिंग एज फिल्म्स हैं सिर्फ उन्हीं को मौका मिलता है सनडांस में, बट आई वाजंट देयर। वाओ, शबाना जी, आपके बॉडी ऑफ वर्क को देखे तो आपने इतने सालों में बेहतरीन काम किया है, सम ऑफ द फिल्म्स आर मेमोरेबल फिल्म्स रही है, और आपकी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा तारीफ रही है। आपको लगता है जब आप पीछे मुड़ के देखती है और जब कंपेयर करती है अपनी नई फिल्म को अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस के साथ, आपको लगता है, मैं नहीं कहूंगा ये आपका बेस्ट वर्क है, बट आपको लगता है दिस इज अमंगस्ट योर बेस्ट वर्क्स? एक्चुअली मैं जब अपने काम को देखती हूँ तो इतने सारे सालों के बाद भी जब मैं काम को देखती हूँ तो मुझे उसमें सिर्फ नुक्स नजर आते हैं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। और फिर मैं अगर किसी और के साथ देख रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी से पॉपकॉर्न दे देती हूँ ताकि वो उस वक्त स्क्रीन को ना देखें। तो आई एम रादर क्रिटिकल ऑफ माई वर्क। अब मैंने क्योंकि फिल्म देखी नहीं है तो मैं कह नहीं सकती, I can't right. say that. I can only say that it is a very challenging role. और ऐसा role मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। आपको लगता है ये फिल्म जो दिल से बनी गई है, दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? मुझे यकीन है कि जो भी इस फिल्म को देखेगा उसको इस बात का एहसास जरूर होगा कि ऐसी फिल्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि वो इसको enjoy करें and have a ball.